गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ सुचित्रा कराते, नर्सिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। हाउ वी व्यू द वर्ल्ड। हम सपोज एक ग्लास लेंगे, ग्लास में हाफ वाटर डाल देंगे। पेसिमिस्ट है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, द ग्लास ऑफ हाफ एम्प्टी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट है तुम्हारा, ग्लास इज हाफ फुल। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये, एंड कंपेयर टू व्हाट, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट तुम्हारा है टॉपिक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। द डिजीज इज ऑप्टेन इन द कम्युनिटी एज इन अकर। आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज है पॉपुलेशन में, उसमें हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कैसे किससे, उसका एसोसिएटिव जो फैक्टर है मेन उसको देखना है। तो उसमें द डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टडी इन द पॉपुलेशन एंड डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड एंड पर्सन, ठीक है। ये चीज का हमको ध्यान रखना है, इसमें तीन चीजों में देखते हैं, टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। इन्हें टिपिकली इसमें हम देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं स्टडी किसका, इन पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का उसमें हम डिवाइड करते हैं इन तीनों में। तो हम उसमें कह रहे थे व्हाट, ठीक है, मतलब केस तुम्हारा क्या है, जो केस है वो उसका डेफिनेशन क्या है, हु व्हाट व्हाई व्हेन वेयर एंड हु व्हाट, ठीक है। हु मतलब किसमें है, पर्सन, फिर वेयर कहाँ से आया ये डिजीज, प्लेस देखना है, देन व्हेन टाइम एंड हाउ मैनी, उसके क्या मेजर पॉइंट है। तो जो गिफ्ट तुम्हारा, जो टाइम है उसका, जो सोर्स ऑफ इटियोलॉजी है उसको देखेंगे, वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो कितना वो इंक्रीज हो रहा है, शॉर्ट टर्म है तो कितना वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके स्टेप्स क्या है, पहले हम फाइंडिंग द पॉपुलेशन, पहले करेंगे कहाँ से लेंगे पॉपुलेशन, ठीक है, देन उस डिजीज का स्टडी करेंगे, जो डिजीज है, फाइंडिंग द डिजीज अंडर स्टडी, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिंग द तुम्हारा कहाँ से डिजीज लेना है, टाइम या फिर प्लेस या फिर पर्सन, फिर उसका मेजरमेंट ऑफ द डिजीज देखेंगे, देन उस जो मेजरमेंट ऑफ द डिजीज है उसका कंपेयरिंग वैन द विथ नो, कहाँ से जो है उन दोनों को कंपेयरिंग करके उसका लास्ट एटोलॉजिकल हाइपोथेसिस देखेंगे, ठीक है। तो टाइम को हम कैसे देखते हैं, टाइम वो ईयर में भी हो सकता है, हमारा मंथ, वीक, डे, हाउ, ड्यूरेशन, ठीक है। प्लेस, प्लेस में तुम्हारा वो नेशनल, इंटरनेशनल, तुम्हारा खुद का कंट्री देख सकते हैं, फिर वो अर्बन एरिया हो सकता है, रूरल एरिया हो सकता है, तुम्हारा एक सिटी हो सकता है, फिर तुम्हारे एक स्टेट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। फिर पर्सन, पर्सन में हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं, एज, एज ग्रुप के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा अगर जेंडर है तो उसमें मेल, फीमेल, फिर तुम्हारा ऑक्यूपेशनल क्या है वो देख सकते हैं, फिर बर्थ, अकॉर्डिंग टू बर्थ या फिर अकॉर्डिंग टू डिजीज, डिजीज कैसे, सपोज किसी को बीपी है तो बीपी, जो बीपी हुआ है, जो हाइपरटेंशन जो मरीज है, उस ग्रुप को भी हम उसको डिवाइड कर देख सकते हैं उस ग्रुप में भी, या फिर किसी को अगर शुगर पेशेंट है, तुम्हारा डायबिटीज पेशेंट है, तो उस पेशेंट को भी हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस गिव क्लू, हमको क्या दे रहा है, वो क्लू दे रहा है, ये जो टाइम प्लेस तुम्हारा पर्सन, वो हमको क्लू दे रहा है, ठीक है। दिस गिव क्लू
रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर, मतलब हमको वो क्या दे रहा है, रिस्क फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर दे रहा है फॉर अ डिजीज वन और मोर विच कैन ऑलरेडी कम, कहाँ से इसकी आया है, वी कॉज ऑफ द डिजीज कहाँ से आया है वो, ठीक है, वो कहाँ से आया, तो वो उसके दो होते हैं, केस रिपोर्ट होता है, हर एक केस सीरीज में होता है, तो केस रिपोर्ट, हम जो डिजीज है हम उसको एक केस रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो हमारा जिस है ना जो स्टडी है हम उसको केस रिपोर्ट को भी हम बोल सकते हैं, एक पर्सन का जो केस रिपोर्ट है हम उससे भी क्लू हमको मिल सकता है, कैसे, इट इज़ ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल विद द डिजीज, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल से हमको वो केस मिल रहा है, और केस सीरीज, केस सीरीज मतलब तुम्हारे इट इज ए स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज, ठीक है, केसेस ऑफ द डिजीज हमको वो मिल रहा है, तो दे आर मोस्ट लाइकली टू बी यूजफुल व्हेन द डिजीज इन अनकॉमन, ठीक है, हमको वो अनकॉमन नहीं है लेकिन यूजली दे आर मिल रहा हमको वो, ठीक है, कहाँ से, सिंगल काइंड ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, सिंगल काइंड ऑफ एक्सपोजर हमको मिल रहा है, और केस स्टडी और केस सीरीज मतलब ये क्या होता है, ये हमको दोनों से हमको मिल रहा है, मे बी फर्स्ट टू भी क्या होता है क्लू, हमको कहाँ से क्लू दे रहा है, टू आइडेंटिफाइड हमको हो रहा है कहाँ से, न्यू डिजीज, ठीक है, जो हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एन एक्सपोजर, ये हमको बता रहा है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव जो तुम्हारी जो स्टडी है, ठीक है, इसमें सपोज हमने एक डिजीज ले लिया है, जैसे टू अभी 2020 कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, वो हमने देखा, डिफाइन किया हमने जो डिजीज है, जो वो क्या है तुम्हारा, कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर है कोरोना वायरस, ठीक है, हमने किस कहाँ से लिया, ये सर्च फॉर ए केसेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, केसेस इन पॉपुलेशन में लिया ये हमने उसका, ठीक है, फिर ये तुम्हारे जो प्रिविलेंस कहाँ से आ रहा है, वो ओवर वर्ल्ड होल कंट्री से तुम्हारा ये हमने पॉपुलेशन प्रिविलेंस लिया है, अब हम देखेंगे उसका क्लू, कहाँ से क्लू हमने देखा, तो उसका क्लू हमने देखा पॉजिटिव एजेंट जो फैक्टर है कहाँ से आया है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है ट्रांसफर थ्रू द ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ठीक है, ये हमने क्लू देखा है, ये तुम्हारा मैंने कहा ना तीन चीज ध्यान रखना है, टाइम भी हो सकता है, तुम्हारा प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी, ठीक है, अब हम उसका हमने डिजीज देख लिया है, फिर कहाँ से सर्च कर रहे हैं उसको, वो केसेस भी देख लिया है, उसका प्रिविलेंस भी देख लिया, अब क्लू भी हमको मिल गया कि क्लू कहाँ से वो, ठीक है, हुआ है, पॉजिटिव फैक्टर रिस्क फैक्टर क्या है, अब एट लास्ट अपने अब देखेंगे उसका कंट्रोल मेजर क्या है, कैसे वो हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, फर्स्ट वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यों करना है हमको, वॉशिंग योर हैंड विथ सोप एंड वाटर और यूजिंग एल्कोहल बेस्ड हैंड रब किलिंग द वायरस दैट मे बी ऑन योर हैंड, ठीक है, हमको फर्स्ट क्या करना है कंट्रोल के लिए, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंसी, देन मेंटेन, क्या मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है, मेंटेन एटलीस्ट 3 feet डिजीज बिटवीन द यूजर एंड एनीवन हु इज द कफिंग और, ठीक है, वो देखना है, फिर तुमको अवॉइड करना है टचिंग आई नोज एंड माउथ, ठीक है, फिर इफ यू हैव फीवर कफ एंड डिफिकल्टी आ रहा है तुम्हारे ब्रीथिंग में तो क्या करना है, जाके सबसे पहले मेडिकल केयर में उनको इन्फॉर्म करना है, और सबसे मेन मेजर है तुम्हारा इसमें जो कंट्रोलिंग मेजर है स्टे होम स्टे सेफ, है ना, आपको तो ये एक डिस्क्रिप्टिव डिजीज में हमने एक डिजीज देखा, फिर कहाँ से आया वो देखा, किस कौन से पॉपुलेशन में इसको लिया है, प्रिविलेंस कहाँ से आया, क्लू मिल गया है, उस क्लू से हमको ये पता चल गया है कि हम उसे कैसे कंट्रोल मेजर किया है, ठीक है,
ये तुमको ध्यान में रखना है किसमें, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। थैंक यू।